जेईई एडवांस 2020 है ना, पेपर वन, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में बेटे 6 क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बेटे, सिंगल करेक्ट ऑप्शन। पेपर जो है वो मॉडरेट टाइप का है, ठीक है बेटे। मॉडरेट मतलब कहने का ये हुआ है कुछ क्वेश्चन टाइप के हैं जो जनरली आप लोग जो है लगाते हैं क्लासेस में, आसान क्वेश्चन होते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन जो है काफी ले लिए बेटे, ठीक है, तो मॉडरेट क्वेश्चन था, है ना। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर वन पर बेटे, क्वेश्चन नंबर वन। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे, आसान क्वेश्चन दिया है। क्या कि मैंने बेटे ए बी आर बी रीजन एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ दिस, ये इक्वेशन बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20/20 इक्वल 0, इसके ग्रुप से बेटे ए एंड बी। सेकेंड इक्वेशन है बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20/20, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20/20, इसके रूट्स बेटे गिवन है सी एंड डी। आपको वैल्यू करना है दिस में, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए आसान है, क्या करते हैं बेटे रूट्स की बात हो, सम ऑफ द रूट्स मतलब ए प्लस बी क्या हो जाएगा बेटे, माइनस बी बाई ए, हो गया था 20 माइनस 20 ए है बेटा बन गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए बी सी बाई माइनस 20/20, गॉट इट। सेकेंड में देखिए बच्चे, इस इक्वेशन के रूट से सी एंड डी, तो सी प्लस डी सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस दिस बाई दिस, तो ये 20 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी डी हो गया बेटे 20/20, है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालना है, इसका मतलब प्रोडक्ट कर देते हैं बच्चा, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट करने पर, है ना, प्रोडक्ट करने से आपको देगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस, इधर प्रोडक्ट कर लो बच्चा, ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस, और प्रोडक्ट कर लो भाई, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर डी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर, गॉट इट। चलिए देखिए बच्चा, फर्स्ट और थर्ड कॉमन लेते हैं बेटे ए स्क्वायर, क्या बनेगा सी प्लस डी, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड में से हमें कॉमन ले लिया बच्चा ए स्क्वायर, तो सी प्लस डी, इनमें से बी स्क्वायर आउटसाइड प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटे, आपको फिर मिल गया सी प्लस डी, है ना। नेगेटिव वाले पोर्शन में देखो बच्चा, ये हो गया कॉमन आया बेटे माइनस ए, आप बाद में लेगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इन नेगेटिव वालों में देखिए, ठीक है, क्या आ रहा है बेटे कॉमन माइनस बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। चलो सी प्लस डी टेकिंग आउटसाइड, सी प्लस डी टेकिंग आउटसाइड, अब आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने किया बेटे सम और प्रोडक्ट के साथ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5a, गॉट इट। यहां से ये कॉमन आया बच्चे, है ना, और माइनस ए प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को आपने लिख दिया थे सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 5cd। अब केवल आपको वैल्यू को पुट करना है सी प्लस बी 20, ठीक है, इनटू प्लस बी माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर बेटे ये हो गया आपका 400 माइनस ट्वाइस ए बी, है ना, तो माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 40 40 40 40 विदाउट, है ना, ए प्लस बी माइनस 20 प्लस 20 हो गया बच्चा, सी प्लस डी 400 हो गया माइनस ऑप्शन डी। चलिए बच्चों
सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, है ना। सेकंड क्वेश्चन ये है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन हो। इफ द फंक्शन f फ्रॉम 0 टू 3 एंड f(x) mod x x - 5x, है ना, ये गिवन है बेटे। तो आपको ये बताना है कि किस टाइप का फंक्शन है ना, 1 1 a 1 1 a 1 1 a बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। f फ्रॉम रियल टू रियल, है ना, जो कि आपका डोमेन को डोमेन f(x) गिवन है बच्चा mod x x - 5x x माइनस साइन एक्स, तो कहा है बेटे, है ना। अब क्या चेक करना होता है ना, 1 1 1 2 चेक करना है मुझे, तो डिफरेंस इक्वेशन से चेक कर सकते हैं, 1 1 से चेक कर सकते हैं। चलिए यहां पे काम करते हैं, 1 1 पहले चेक कर लेते हैं। f ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस x x रहेगा बेटे, मॉड x रहेगा माइनस x प्लस साइन एक्स, ये क्या बन गया बेटे, माइनस ऑफ f x, ये f x क्या हो गया, ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन ही इसका सीधा सा मतलब ये होगा बेटे, ये इनटू तो होने सकता है, है ना, मिनिमम होने सकता है। तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटे, एफ एक्स ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मॉड एक्स का एबी क्या होगा बेटे, मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स बाई साइन एक्स को एबी रखा हमने प्लस मॉड एक्स पे चीज रखा आपने, इसका डेरिवेटिव होगा 1 माइनस मॉड एक्स। सारे रियल नंबर की हमें देखना है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। सारे रियल नंबर के लिए देखना है ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो हम यहां से मॉड एक्स को कॉमन लेके चेक कर सकते हैं, मैं समझ दिख रहा है ना आपको, तो समझ आ गया होगा कि मॉड एक्स को कॉमन लेंगे ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई एक्स, ठीक है बेटा, 1 minus sin x by x और plus 1 minus cos x, ठीक है। तो चलिए आपको यहीं से दिख गया बेटे, है ना, मॉड एक्स पॉजिटिव, ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, ये हो गया आपका ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन हो गया बेटे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो क्या बन गया बेटे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए तो देन देखा हमने, तो यह x का क्या है, x minus sin x plus x की वजह से और x sin x की वजह से आ गया, क्या देगा बेटे, रेंज क्या देगा, रेंज का पे फोटो या पे सेम हो जाएगी ऑन टू एंगल, है ना। आप तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं इसका, ठीक है, इसका ग्राफ क्या होगा, एज लाइक टू बी का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया बन वन ऑन टू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि वन वन ऑन टू मिलेगा, बोथ वन वन है ऑन टू सी, बोथ वन वन है ऑन टू, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन थर्ड पे आ गए बच्चा, देखो ना एरिया निकालना है बिटवीन, है ना, एरिया ऑफ बॉडी और रीजन निकालना है बिटवीन टू कर्व्स एफ एक्स एंड जी एक्स, देखो भाई है ना, आसान क्वेश्चन हो गए कि f e raised to power x minus 1 minus e raised to power minus mod of x by 1 given है बच्चा, और g x आपको given है half time e raised to power x minus 1 plus e raised to power 1 minus x, ठीक है। area of the region in first quadrant है bounded by these two n x equal to 0 तो by x is, ठीक है। तो चलिए इनकी graph बनाएंगे बेटे, है ना, तो हम चेक करेंगे किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, और इनके भी ग्राफ क्या होंगे बेटे, ठीक है। तो चलिए ना एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ बना लेना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ बना लेना है, तो एफ एक्स का बनाते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स का जो ग्राफ बनाएंगे बेटे, तो एफ जीरो क्या आ रहा है, एफ जीरो ई रेज़ टू पावर माइनस 1, है ना, एफ जीरो e raised to power minus 1 f0 आ रहा है बेटे 0, f0 आ रहा है बच्चा 0 के इक्वल, है ना। तो हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चे, है ना, तो यहां से और क्या 0 हाफ टाइम e raised to power minus 1 plus e raised to power 1 e raised to power 1 plus e raised to power minus 1 by 2 ये यहां के मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक जीरो हाई हो गया बेटे, ई इनवर्स प्लस ई बाई टू, कैसा ग्राफ बनेगा,
तो जीडे से एक्स आपको निकालना बच्चा है, ठीक है, बाई टू e रेस टू पावर x माइनस वन माइनस e रेस टू पावर वन माइनस एक्स, है ना, ये इसके लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का नहीं है, है ना। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम देख लिया हमने, है ना, जीडे में x इक्वल टू जीरो e रेस टू पावर x माइनस वन इज इक्वल टू e रेस टू पावर वन माइनस एक्स हो गया बच्चा, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो पर क्या देगा बेटे, है ना, डबल डेरिवेटिव से चेक कर दो, लोकल क्या देगा, मिनिमम आएगा फिर मैक्सिमम, ठीक है। हाफ टाइम e रेस पावर x माइनस वन प्लस e रेस टू पावर वन माइनस एक्स, तो जीरो पर ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो लोकल मिनिमम आएगा, ठीक है, परसेंट बैक टाइम। और ये डिग्री जो है जीरो से पहले और जीरो बाद में इंक्रीज होगा, तो लाइक एक इस टाइप का ग्राफ है ना, ये बनेगा किसका है बेटे, जी एक्स का। अब एफ एक्स की बात करें, है ना, तो एफ एक्स है ना जीरो पर, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो बन गया, है ना, ठीक है। एक्स इक्वल टू वन पे भी चेक कर सकते हैं, वन पे जो आप वन ये हो गया जीरो, वन माइनस वन जीरो आ गया, वन पे जीरो है बच्चे, है ना, ये हो गया आपका वन, वन भी ये जीरो, ठीक है। और इसका ग्राफ बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है, इंक्रीजिंग टाइम। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है बच्चे, ये कंप्लीट निकालना है, ठीक है, ये कंप्लीट एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। तो ये होगा एरिया डेल्टा इक्वल टू, हम लोग इसे चलाएंगे डी एक्सिस के ऊपर, ये डी एक्सिस, तो इंक्रीजेशन जीरो टू वन, ठीक है, जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन से लेकर इस पॉइंट तक, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं दो, जी एक्स और एफ एक्स को सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप सॉल्व कर रहे हैं वन से ग्रेटर के लिए, ये मॉड रिमूव कर देंगे बेटे, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे e रेस टू पावर x माइनस वन माइनस e रेस टू पावर माइनस ऑफ x माइनस वन डिवाइड वन माइनस एक्स, ठीक है। और रूट ओवर थ्री, ये पॉइंट हो गया वन प्लस एल ऑन रूट थ्री, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हमने जीरो टू वन तक डाल लिया था, वन से वन प्लस एल ऑन रूट थ्री तक अपर माइनस लोअर चलेगी, ठीक है, ये भी डी एक्स इसके पे अपर माइनस लोअर जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटे, जीरो टू वन, ठीक है, और वन से वन प्लस रूट ओवर थ्री आता है, तो इसको इस टाइम पर रिप्रेजेंट कर लो बेटे, जीरो से वन प्लस एल ऑन रूट थ्री dx dx करो, ठीक है, माइनस वन टू वन प्लस एल ऑन रूट थ्री एफ एक्स डीएक्स, बहुत आसान निकल आएगा, है ना। यहाँ पर वन से वन प्लस एल ऑन रूट थ्री मतलब वन से ग्रेटर है, पॉट को रिमूव करके लिख दे जाते हैं, ना, क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स e रेस टू पावर x माइनस वन माइनस e रेस टू पावर वन माइनस एक्स, है ना। तो आराम से इसका इंटीग्रेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जब इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर ले बच्चे, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, है ना, आंसर मिलेगा बेटे टू माइनस रूटी वन अपॉन टू ई माइनस इनवर्स, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, आसानी से हो जाएगा, ओके। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है, कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे, है ना। पहला बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर लैम्डा एक्स, और इलिप्स आपको दिए गए बेटे, है ना, ए बी एन नंबर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड पी इज द एंड पॉइंट ऑफ लेटर रेक्टम ऑफ द पैराबोला, पैराबोला के लेटर रेक्टम का एंड पॉइंट से पैराबोला ड्रा कर लो बेटा, ये पैराबोला ये लेटर रेक्टम हो गया, है ना, पैरा क्या है बेटे, ये पैराबोला
y square equal to 4 lambda x a 0 ये फाइंड हो गया बेटी a और 2 सॉरी a से मतलब है लैम्डा ट्वाइस लैम्डा ठीक है a मतलब ये लैम्डा 0 हो गया ये एनआर हो गई ठीक है ये लेट अस एक्स हो गया बेटी ठीक है लैम्डा और ट्वाइस लैम्डा क्या दे रखा है सपोज दे लिख दिस वन पासिंग थ्रू पॉइंट p इन अ टेंजेंट टू द पैराबोला एंड दे लीव्स एट द पॉइंट d और परपेंडिकुलर p पर हम लोग क्या बनाएंगे p से पास होने वाला है इलिप्स बनाएंगे इस p पॉइंट से पास होने वाला इलिप्स ड्रा कर दिया या इलिप्स कोई ना भी होता है ना अभी ना किसी भी कर सकते हैं बेटे ये हो गया इलिप्स ठीक है p के पास होने वाला इलिप्स हमने ले लिया ठीक है ये इलिप्स से आपका x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 मैंने इसको पता है a ग्रेटर देन 0 a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन b है ना हम लोग कंडीशन निकालेंगे यहां तक क्लियर है अब इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकाल दे दो नाउ टेंजेंट ऑफ पैराबोला at स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ठीक है एट पी क्या करेंगे बेटे 2 y डिवाइड बाय dx कितना हो गया 4 लेंगे 2 y y कितना है 5 लेंगे यहां पुट कर देंगे तो डिवाइड बाय dx आप जो पैराबोला को फर्स्ट कर सी के लिए एट द पॉइंट p कितना हो गया बेटे 1 आ गया अब हम दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं के हैं 2x by a square 2 y by b square divided by dx is equal to 0 किस पॉइंट पे निकाला है ये हम लैम्डा ट्वाइस है ना कि लैम्डा बाय a square प्लस ट्वाइस लैम्डा बाय b square डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0 ठीक है तो यहां से मिल गया आपको डिवाइड बाय dx आप सेकंड कर्व एट अ पॉइंट p क्या मिल जाएगा भाई ये उधर से शिफ्ट कर दिया हमने तो माइनस b square by 2a square दिया ठीक है अब यहां पर वो ये बोल रहा है कि ये दो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं वो म्यूचुअली कैसे हैं परपेंडिकुलर इसका मतलब इनके स्लोप का प्रोडक्ट तो माइनस 1 तो हम कह सकते हैं डिवाइड बाय dx फर्स्ट कर एट पॉइंट p इनटू डिवाइड बाय dx ऑफ सेकंड कर एट पॉइंट p इक्वल टू माइनस 1 तो क्या हो जाएगा बेटे इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 तो b स्क्वायर आ गया बेटे 5 a स्क्वायर ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है b स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर ठीक है b स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर से आपको क्या मिल गया बेटे कौन बड़ा है b इज ग्रेटर देन a मिल गया ये इंपॉर्टेंट है ना बेटे b इज ग्रेटर देन a मिल गया b स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a square b is greater than a तो eccentricity का formula क्या हो जाएगा बेटे a square equal to b square 1 minus 1 a square ये लगेगा a square equal to b square 1 minus e square रख दो बेटे बेटे b square को replace कर दिया twice a square से यानी दिया twice a square तो आपको मिलेगा 1 equal to 2 minus 2 e square ठीक है तो e equal to हो गया बेटा e square equal to half ले लेकिन e equal to 1 over root 2 eccentricity always is positive e की वैल्यू हो गई 1 by root 2 ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चा है ना आपके क्वेश्चनों में से एक है ठीक है चलिए ये फिफ्थ क्वेश्चन पे आगे बच्चा गिवन है लेट c1 a2 b2 by point such that the probability of getting hats in a single toss आर 1/3 ठीक है आर 2/3 एंड 1/3 है ना बेटे सीवन के लिए दे रखा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और सी2 के लिए 1/3 तो सीवन के लिए बेटे है ना सीवन के लिए प्रोबेबिलिटी हेड आना 1/3 अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स अपीयर व्हेन सीवन इज टॉस ठीक है बेटे ये दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी को फॉर सीवन प्रोबेबिलिटी आप गेटिंग है वो है 2/3 है ना
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल क्या हो जाएगा बेटे 1/3 और की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है तो के 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल हो जाएगा बेटे 2/3 1/3 कर दिया बेटे अल्फा नंबर ऑफ गेट्स है ना व्हेन सीवन इज टॉस्ड ट्वाइस है ना इंडिपेंडेंटली सीवन टू है ना को टॉस कर दे टू टाइम्स और अल्फा और बीटा के नंबर ऑफ गेट्स है आसान है ना तो अल्फा किसको डिनोट कर रहा है अल्फा डिनोट कर रहा है बेटे नंबर ऑफ गेट्स है ना नंबर अल्फा डिनोट कर रहा है बेटे अल्फा नंबर ऑफ गेट्स है ना व्हेन सीवन इज टॉस्ड ट्वाइस when C1 is tossed twice yeah C1 is tossed twice इसी तरीके से बीटा जब बेटे नंबर ऑफ हेड्स किसे हुए हेड्स ही बेटे when C2 is tossed twice ठीक है चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं बड़ा आसान है प्रोबेबिलिटी है ना जबकि रूट थ्योरम क्या हो इस पॉलीनोमियल के रियल एंड इक्वल होंगे किसके एच स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा एच स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा है रियल एंड इक्वल रूट क्या आप ये कंडीशन बी इक्वल टू जीरो b square minus 4ac 0 b square with alpha square हो गया b square minus 4 beta equal to 0 अब इसकी कितनी possibilities होगी है ना दो बार cross कर रहे हैं बेटे दो केवल है ना उनके alpha और beta की ये possibilities जब वो निकालो बेटे ये हो गया alpha और beta यदि alpha beta both 0 हो तो वो केस हो जाएगा बच्चे ठीक है alpha beta both 0 ये केस हो जाएगा alpha 2 ये 4 हो गया तो बीटा ने सोचनली होगा ठीक है दो केस में बेटे और देखो ये क्या हो सकता है बस यही दो केस होंगे है ना तो ये रूट इक्वल होने के लिए या तो अल्फा बीटा दो जीरो हो बेटे है ना हो सकते हैं इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है और दूसरा अल्फा 2 बीटा वो बन हो बेटे तब भी इक्वल रूट होकर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालना है ना तो निकाल लो कितने बार क्रॉस करने हैं टू टाइम्स टू सी जीरो क्या करना है मुझे है ना अल्फा और बीटा के लिए इंडिपेंडेंटली रहना है गेटिंग है एक जीरो एक्स के लिए टू बाय थ्री रेस टू पावर जीरो ठीक है टू बाय थ्री रेस टू पावर जीरो और वन बाय थ्री रेस टू पावर कितना हो जाएगा बेटे टू हो जाएगा ठीक है इन बीटा के लिए टू सी जीरो सेकेंड के लिए है ना एट की प्रोबेबिलिटी वन थर्ड वन बाई थ्री रेस टू पावर जीरो टू बाई थ्री रेस टू पावर टू और टू और वन के लिए बेटे ना टू टू वन में से टू टू सी टू टू ठीक है बेटे टू बाई थ्री है ना टू बाई थ्री रेस टू पावर कितना हो गया बेटे टू हो गया वन बाई थ्री रेस टू पावर जीरो इन टू ठीक है बेटे इसके लिए इंडिपेंडेंटली क्रॉस किया था तो इस प्रॉब्लम की कैसे ठीक होंगे टू सी वन टू सी वन कितना हो जाएगा बेटे वन बाय थ्री रेस टू पावर वन टू बाय थ्री रेस टू पावर वन ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा चलिए क्या बन रहा है यहां से ठीक है बहुत आसान है ये हो गया बेटे वन बाय नाइन इनटू 4/9 ठीक है प्लस 2c2 वन हो गया ठीक है 4/9 इनटू 2c1 टू इनटू 4/9 4/9 ठीक है 16 और 4 20 20 1 81 तो आंसर करेक्ट हो गया बेटे डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है चलिए है ना नेक्स्ट पे आते हैं चलिए सिंगल करेक्ट का फाइनल क्वेश्चन लेते हैं है ना सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले का फाइनल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है ना कंसीडर द रेक्टेंगल्स
है ना, एक रेक्टेंगल लाइन द रीजन दिस है ना, एक ये रीजन के अंदर जो है एक रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है बेटे। तो हैविंग वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस एंड एक साइड टू एक्स एक्सिस पर लेंगे द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच इज मैक्सिमम पेरिमीटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सच रेक्टेंगल इज, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जबकि वो रेक्टेंगल का पेरिमीटर मैक्सिमम, ठीक है। AOD क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ना, आसान कैसे भैया, 0 to 90 आपको बनाना है, y = है ना 2 sin 2x का ग्राफ है ना, पता है आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये sin x का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो यहां पर पिक वैल्यू में 0 2 हो गई है ना, यहां 2 का मल्टीपल है ना, तो sin 2x पर ये हो जाएगा 5 2 sin के केस में 5 sin sin 2x को 1/2 हो गया बेटे। इसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करते हैं जिसकी ए साइड जो है किस पर है बेटे, x एक्सिस, तो ये इंस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को हमने मान लिया कि x1, दिस वन इज x, x पर है x2, x1 पे फंक्शन की वैल्यू की को 3 से निकल आई बेटे, ये कर दे रखा है y = 2 sin x, ठीक है बेटे। चलिए हमें इसके पेरिमीटर को मैक्सिमाइज करना है, तो x1 x2 में सबसे पहले मैं एक रिलेशन निकाल लेता हूं ताकि सारे की तरफ यूज में पाओ, ठीक है। तो ये हो गए सेम है बच्चा, ये हो गए सेम है ना, तो क्या हो जाएगा बेटे 2 sin x twice x1 equal to 2 sin twice x2, ठीक है बेटे, 2 से कैंसिल twice x1 twice x2, तो यहां से x x2 में एक रिलेशन दिख गया, क्या मिल गया बेटे x1 equal to pi by 2 minus x2, ये मिला x1 equal to pi by 2 minus x2, ठीक। चल बट ये मिल गया तो आधा काम हो गया है ना, अब पेरिमीटर की बात ये x1 plus x2 आपको मिल गया था बच्चा pi by 2, x1 plus x2 आपको मिल गया बेटे सिंगल वेरिएबल बना लिया बच्चा मैंने, इसको 2 टाइम्स पाई बाय 2 x2 को हमने लिख दिया बच्चे पाई बाय 2 माइनस x1 पाई बाय 2 माइनस ट्वाइस x1 प्लस ट्वाइस sin ट्वाइस x1, ठीक है। पीडीएस क्या बन जाएगा, पीडीएस हो जाएगा बेटे है ना, ये 0 हो गया बेटे, ये x का वन हो गया माइनस 4, ठीक है, प्लस 4 करेक्ट है, कैन टू कर दिया अपन ने, ये प्रोडक्ट है ऐड हो जाएगा a cos minus x1, गॉट इट, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा p डेस इक्वल टू 0, p डेस इक्वल टू 0 रखने से यहां से मिला आपको ट्वाइस 2 cos x1 इक्वल टू 1/2, ठीक है, ट्वाइस x1 इक्वल टू 1/2 वैल्यू 3 इंटू एक्स वन मीडिया बेटे पाई बाय 6 पर मैक्सिमम और मिनिमा को डबल डेरिवेटिव से पता कर लो भाई, डबल डेरिवेटिव ये 0 कॉस का होगा बेटे माइनस साइन माइनस 16 साइन ट्वाइस एक्स वन, चलिए कोई भी एंगल लेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, देयरफॉर मैक्सिमम व्हेन कोण मैक्सिमम पेरिमीटर लगेगा मैक्सिमम पी when x equal to pi by 6, maximum p आ गया बेटे when x equal to pi by 6, हमारा काम कंप्लीट हो गया है, केवल हमें निकालना है बेटे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा बेटे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस इनटू दिस मतलब x2 - x1 इनटू
ये ट्वाइस साइन, ट्वाइस एक्स वन, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन टू साइन ट्वाइस एक्स वन, वैसे रख दो बेटा, एक्स टू माइनस एक्स वन फाइव बाई टू माइनस एक्स ट्वाइस एक्स वन, तो ठीक आता है, तो क्या क्या लिख देंगे, एरिया, तो एरिया की वैल्यू अभी भी फाइव बाई टू माइनस ट्वाइस एक्स वन मतलब फाइव बाई थ्री इंटू टू साइन फाइव बाई थ्री, ठीक है, तो यहां से आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई थ्री, ये मिल गया फाइव बाई थ्री सिक्स इंटू टू रूट थ्री बाई टू, ये आंसर कर दिया, तो पाई डिवाइडेड बाई टू रूट थ्री पाई टू रूट थ्री, तो ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है ना, आगे अगर समझ में आसान क्वेश्चन था, ठीक है।